थैंक यू थैंक यू। थोड़ा सा हम सेगमेंट कर लेते हैं, ऑल माय क्वेश्चन। आपका फर्स्ट जॉब कहा, क्या जी, क्या है पहला? माय फर्स्ट जॉब, आई वर्क थिएटर, आई यूज्ड टू डू थिएटर, नुक्कड़ नाटक। फर्स्ट पेचेक, नुक्कड़ नाटक, 350 रुपये। किसको दिए थे आप वो जो आपका फर्स्ट पेमेंट आया था? 350 का भी मुझे याद है चेक मिला था, और मैं एक्टिवा पे, एक्टिवा की डिक्की में रख के वो चेक बड़ी सेफली जाके पापा को दिया। मैंने कहा पापा ये पैसे, तो उन्होंने कहा कि तुम ही रख लो। फर्स्ट प्रोफेशनल फोटोशूट, आई रिमेम्बर फर्स्ट प्रोफेशनल फोटोशूट, जब मैं चंडीगढ़ में था तो एक आदमी था जिसका नाम था डैनी जोसेफ, वो यहीं कहीं नाला सुपारा में रहता था। उसने मुझसे झूठ बोल के 2.5 लाख रुपए लिए, फिर वो आदमी भाग गया। और उसने एक चंडीगढ़ से बॉम्बे बुलाया था नाला सुपारा के किसी रैंडम से बीच पे मुझे फोटोशूट करने के लिए, और वो फोटोशूट भी नहीं दिया उसने, वो भाग गया और वो 2.5 लाख रुपए भी ले गया। बैड एक्सपीरियंस। फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट, मैं समझा क्या मतलब इसका? फर्स्ट आपको ऐसा फील होगा कि मैं सेलिब्रिटी हूं और फैंस आपके? कभी भी नहीं, कभी ऐसा। ओके, फर्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, जब मैं चंडीगढ़ से बॉम्बे आया तो मुझे रश्मि शर्मा मैम का एक शो था संतोषी माँ, तो शो में भाई का रोल मिला था। तो उसके ऑडिशन के लिए, वहाँ ऑडिशन फाइनल भी नहीं था, तो मेरे फादर साहब ने 15,000 रुपये, फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली इट्स वेरी डिफिकल्ट, 15,000 रुपये कहीं से निकाल के ऑन द स्पॉट आप फ्लाइट बुक करें तो बड़ी महंगी आती, तो उन्होंने फ्लाइट बुक की थी। वो फ्लाइट बड़ी भारी लगी उस दिन बैठना, लेकिन मज़ा आया। I fell in love when I came to Bombay. I was struggling, and that woman is still a very close person. She is like family, but she stood by me. मेरे साथ खड़ी रही वो, और मुझे ज़िंदगी में बनने सीखने में कई बार जब एकदम इंसान बिल्कुल ही हौसला हार जाता है तो उन्होंने बड़ा साथ सपोर्ट दिया। फर्स्ट ऑडिशन तो बहुत ऑडिशन थे, चंडीगढ़ में मैं ऑडिशन करता था, दिल्ली जाके मैं ऑडिशन करता था, तो बहुत ऑडिशन थे। कुछ ना कुछ होगा ऑडिशन, बहुत पहले की बात है, तो आई डोंट रिमेंबर। आई रिमेंबर आपका फर्स्ट फोन, या माय फादर गिफ्टेड मी HTC के फोन चलते थे, HTC वाइल्ड फायर, वेरी प्रिटी फोन, मेरे फादर साहब ने मुझे गिफ्ट किया था, 16-17 हज़ार रुपये का फोन था, बैक 2010। क्लब अभी यार 1-1.5 साल पहले मैंने कहीं क्लब देखा होगा, क्योंकि क्लब में या तो नाम चलता है, आपका रुतबा चलता है तो आपको एंट्री मिलती है, या तो पैसे चलते हैं, तो पैसे देने की तो जरूरत पड़ती है मुझे। यार एडवेंचर, आई लाइक बाइकिंग, आई लाइक टू राइड बाइक्स, और जब मैं मनाली जाता हूँ या मैं कहीं इंटरनेशनल, जैसे मैं अभी आई वॉज इन फुकेट, तो आई लाइक टू टेक बिग massive beast bikes and then ride on tracks and on the mountains. I like it. Harleys and Ducatis and Triumphs and a lot of other things. Okay, first, aapka best friend kaun sa? Mera ek hi best friend hai yaar, wo mere Splitsvilla mein tha, to bahut logo ne usko bhadkane ki koshish ki thi, lekin aur usko baki sari janta show se nikalna hi chahti thi aur koi option nahi tha, to maine hi nikala, because main apne dost ko kisi aur ke haath se nahi nikalne dena chahta tha, lekin usne us baat ka kabhi bura nahi mana, aur usne bola main nikal raha hu show se, lekin tu show jeet ke aana, to I became the finalist of the show. Karan Manocha, unhone star ka bhi show kiya tha aur Zee ka bhi show kiya tha, to now he's in Delhi, he's taking care of his family, very soon he'll be back. Karan Manocha is my best friend. जो अकेले रहते हैं ना जीवन में, उनका किचन एक्सपीरियंस अक्सर होता रहता है, उनको घर की लाइट भी ऑन करनी होती है, राशन के डब्बे भी भरने होते हैं, तो किचन एक्सपीरियंस तो रोज ही होता है, जाओ कुछ बना लो, अब तो बाय गॉड्स ग्रेस दाल रोटी के साथ और भी चीजें चल जाती है, लेकिन अकेले रहने वालों का तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, रोटी भी खुद पकानी है, खाना भी खुद खाना। यार मैं आई थिंक आई कैन बी द बेस्ट हस्बैंड, अ बेस्ट पर्सन, जिसको
जो आपसे कभी कुछ नहीं बोलेगा कि मुझे ये खाने को दे दीजिए, मुझे ये खाने का मन कर रहा है, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा। आप मुझे जो दे देंगे, आप उसमें नमक भी ज़्यादा डाल के दे देंगे, मैं तब भी चुपचाप खा लूंगा। क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से, ऐसा एक टाइम था जब मेरे पास, मैं 9 लड़कों के साथ वर्सोवा गांव में रहता था, और वर्सोवा गांव एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे पहले आपको बम्बई आते हैं तो आपको घर का आसरा मिलता है, वहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ मच्छियाँ इंसान सब साथ में रहते हैं, तो वो जगह आपको पनाह देती है, और मैं वहाँ रहता था। और मैं पूरे दिन, काम तो होता नहीं था, तो पूरे दिन सोता था, रात को उठ के वो मेरे घर के बाहर एक इंसान फ्राइड राइस बनाता था, उसको खा लेता था, तो फिर वो खाना रात गुजर जाती थी, और फिर लंबा सो जाते थे ताकि अगले दिन जल्दी खाने की नौबत ना आए, बाकी चाय और ब्रेड से काम चलाया। तो अब तो मैं खाना खाता हूँ तो मेरे लिए तो ऐसा हो जाता है कि एनी डे कुड बी योर लास्ट मील, जब आप इस तरह के प्रोफेशन में होते हैं। सो वेरी ग्रेटफुल, और मैं कुछ भी खा लेता हूँ। आपकी फर्स्ट क्रश कौन सी? फर्स्ट क्रश, यार फर्स्ट क्रश कौन सी थी? फर्स्ट क्रश यार, एक नूर चहल करके एक सिंगर है, पंजाब की सिंगर है नूर चहल, वो मुझे बहुत पसंद है। और हानिया आमिर, लास्ट वन क्वेश्चन, फर्स्ट कार कौन सा है आपकी? यार फर्स्ट कार जो मैंने खरीदी वो थी इंडेवर, बिकॉज आई लाइक बिग कार्स। और उसकी बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि मेरे फादर को बचपन से ही छोटी गाड़ियाँ, यानी हाइट वाली गाड़ियाँ पसंद थी, और हम लोग ले सकते थे, लेकिन परिवार पे फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप गाड़ी और ऐसे शौक पूरे नहीं करते, तो मेरे फादर ने वो शौक अवॉइड किया, नहीं ली। तो मैंने इंडेवर ली, और मैंने जब इंडेवर ले ली तो मैंने पापा को इंडेवर दे दी, और फिर पापा की गाड़ी मैंने ले ली जो कि i20 थी।